हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ईवीएस का जो ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन एनवायरनमेंट, मतलब ऊर्जा के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसमें जो सबसे पहले टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। नाम से ही जैसे आप समझ गए होंगे, भूमंडलीय तापन, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो धीरे धीरे गर्मी इंक्रीज होती चली जा रही है, उसी फिनोमेना को बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। तो ये होता किस वजह से, क्योंकि जो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में जो है गैसेस बढ़ती चली जाती हैं पॉल्यूशन की वजह से, तो पॉल्यूशन होने की वजह से गैसों का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गई, या अदर पॉल्यूटेंट्स जो हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसमें आता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसकी वजह से जो गैसें बढ़ती जाती हैं एनवायरनमेंट में, यानी कि पॉल्यूटेंट्स होने की वजह से, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर अर्थ सरफेस का इंक्रीज़ होता जाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस, तो उसी को हम बोलते हैं, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि भूमंडलीय तापन। तो दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग इज़ द फिनोमेना ऑफ ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CFC एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। तो जैसे जैसे पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, CFC का लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये जो पॉल्यूटेंट्स और ये जो गैसेस बढ़ती चली जाती हैं जिनकी वजह से जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है। दिस चेंज हैज़ डिस्टर्ब द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ द अर्थ। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो चेंज, जैसे कि अब आप देखते होंगे कि सर्दी जो है वो बहुत कम पड़ती है, कुछ ही महीनों पड़ती है, और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों तक पड़ती रहती है। तो क्लाइमेट चेंज, जो हमारा जो क्लाइमेटिक पैटर्न था वो धीरे धीरे वो चेंज होता जा रहा है, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से। तो कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब भूमंडलीय तापन होने के कारण की क्या कॉजेज हैं, किस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो सबसे पहले डीफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई। तो जैसे कि पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि जब प्लांट ही नहीं होंगे तो फिर वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि प्लांट का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब लेते हैं और रिलीज़ करते हैं O2। तो धीरे धीरे जो फॉरेस्ट हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ले नहीं पाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर नहीं पाते, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दे टेक CO2 एंड रिलीज O2। फॉरेस्ट आर बीइंग डिप्लेटेड फॉर मैनी डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल पर्पसेस। तो फॉरेस्ट काटने का भी रीज़न है ना, क्योंकि डोमेस्टिक और कॉमर्शियल पर्पस की वजह से फॉरेस्ट को जो वनों की कटाई कर दी जाती है, क्योंकि लैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो लैंड अवेलेबिलिटी की वजह से क्या करते हैं, वनों की कटाई कर दी जाती है। दिस हैज़ लेड टू इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, देयर बाई गिवन राइज ग्लोबल वार्मिंग। तो जिससे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है यूज़ ऑफ व्हीकल्स। तो यूज़ ऑफ व्हीकल्स, जानते हैं कि जितना ज़्यादा व्हीकल्स चलेंगे तो व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल्स ही यूज़ किए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब जैसे पेट्रोल डीजल हैं, वही यूज़ किए जाते हैं। तो वो जब जलते हैं तो उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बढ़ेगी तो फिर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो अदर टॉक्सिन्स होते हैं वो उनसे रिलीज़ होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर का इंक्रीज़ होता जाता है। तो व्हीकल्स बर्न फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल मतलब जो जीवाश्म ईंधन जिनको बोला जाता है, जिनसे पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम से ही पेट्रोल डीजल बनते हैं, तो विच इमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड अदर टॉक्सिन्स इन टू एटमोसफियर रिजल्टिंग इन अ टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब व्हीकल्स जब चलेंगे तो फॉसिल फ्यूल बर्न होगा, बर्न होने से लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और अदर टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, मतलब जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एटमोसफियर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा।
नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्ट में CFC के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्या है कि जैसे कि आजकल देखा है कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा एयर कंडीशनर यूज़ किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर जो है काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, तो जितना ज़्यादा ये एयर कंडीशनर और AC और फ्रिज चलते हैं वो उतना ही ज़्यादा जो है CFC को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट में CFC की मात्रा बढ़ती चली जाती है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जो कि क्या करती है कि इफ़ेक्ट डालती है ओजोन लेयर पे, और जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। उसके बाद है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब बढ़ती आबादी। तो ओवर पॉपुलेशन से क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि उतने ही ज़्यादा लोग जो है वो ब्रीदिंग करेंगे, मतलब उतने ही ज़्यादा लोग सांस लेंगे। तो सांस लेने का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब छोड़ेंगे तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लेवल बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन मींस मोर पीपल ब्रीदिंग, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2 विच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद वोल्केनोज। वोल्केनोज का मतलब ज्वालामुखी। तो वोल्केनो एक नेचुरल रिसोर्स है, ये जो है नेचुरल सोर्स है ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसमें जब वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी फटते हैं तो क्या होता है कि ऐश मतलब राख और स्मोक निकलती है। तो राख और स्मोक निकलने से क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है, और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कार्बन की मात्रा भी होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर पे और क्लाइमेट दोनों पे इफ़ेक्ट डालती है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। तो क्या होता है कि कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, जिनमें जो है क्या होता है कि CO2 प्रोड्यूस होती है और मीथेन गैस जो है प्रोड्यूस होती है। तो CO2 और मीथेन गैस, ये दोनों ही गैसें जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, जो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होती जाती हैं, और इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, यानी कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से CO2 और मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो मिल जाती हैं जाके लेवल बढ़ जाता है इनका, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर भी अर्थ का इंक्रीज़ होता है। लास्ट में है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मतलब वनों की आग। तो वनों की आग लगने से क्या होता है कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में कार्बन जो है कार्बन कंटेनिंग स्मोक जो है वो इमिट होता है, मतलब जब आग लगती है तो जो धुआं निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा जो उस स्मोक में कार्बन होता है, जो कि कार्बन के इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये तो थे कॉजेस जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है होती है, बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। इसके बाद आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या क्या मतलब इनके इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले राइज इन टेम्परेचर मतलब तापमान में वृद्धि। तो ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होता है कि जो अर्थ की सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2, मतलब CO2 के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है, यानी तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। नंबर दो, मेल्टिंग ग्लेशियर्स। मेल्टिंग ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर का पिघलना। तो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलने लगते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर इसमें जो है वो पिघलने लगते हैं। थर्ड दिया हुआ है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब मौसम परिवर्तन, कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेदर कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती है, जो क्लाइमेट कंडीशन है वो चेंज होने लगती है, कि कहीं पे तो सूखा ड्रॉट पड़ते हैं और कहीं पे फ्लड हो जाता है, यानी कहीं पे सूखा और कहीं पे बाढ़ आने लगती है। तो वो ये सब किसकी वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो मौसम परिवर्तन होते हैं तो इसी वजह से होते हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे बहुत सूखा पड़ जाता है और कहीं कहीं पे बाढ़ आ जाती है। इसके बाद तो नेक्स्ट है इंक्रीज इन सी लेवल। ये रिलेटेड है ग्लेशियर के पिघलने से ही, समुद्र तल का बढ़ना, क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो समुद्र तल है यानी कि सी लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लेशियर से पानी पिघल के वो समुद्र में मिलता है। तो इंक्रीज इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स विच हैव लेड टू एन
इंक्रीज इन सी लेवल, तो सी लेवल बढ़ जाता है उससे, जिससे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ डिजीजेज़। स्प्रेड ऑफ डिजीजेज़ जो है क्या है कि बीमारियों का फैलना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि जो पैटर्न चेंज हो चुका है हीट का, ह्यूमिडिटी का, तो जिससे क्या होता है कि जो मॉस्किटो का मूवमेंट है वो ज़्यादा होने लगता है। तो मॉस्किटो का मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये तो थे कुछ पॉइंट जिस ग्लोबल वार्मिंग के, कि क्या उनका इफ़ेक्ट पड़ रहा है एटमॉस्फेयर पे। इसके बाद कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब भूमंडलीय तापन से किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्लांटिंग मोर ट्री, प्लांटिंग मोर ट्री का मतलब कि जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें जो है ऑक्सीजन मिलेगी और उतना ही कम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होगा, क्योंकि प्लांट का काम क्या है कि वो O2 को रिलीज़ करते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक CNG एंड LPG, मतलब जो फॉसिल फ्यूल हैं यानी कि पेट्रोल डीजल जब जलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कार्बन की मात्रा रिलीज़ होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो हमें जो है फॉसिल फ्यूल की जगह इको फ्रेंडली फ्यूल जो हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे CNG और LPG हैं, इनसे जो है पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इनका यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में। नंबर थ्री, लेस यूज़ ऑफ व्हीकल्स, मतलब जो व्हीकल्स हैं उनका कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा व्हीकल्स का हम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन जो है वो रिलीज़ होगी और कार्बन की मात्रा जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी। फोर्थ दिया हुआ है यूज़ एनर्जी इफ़िशियंट डिवाइसेस सच एज LED लाइट्स, बल्ब्स, यानी कि जो एनर्जी इफ़िशियंट डिवाइसेस होती हैं, जो LED लाइट्स आजकल चलते हैं, बल्ब, उनका यूज़ करना चाहिए। उनका ये इनके यूज़ होने से जो है एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो कम होती है। फिफ्थ दिया हुआ है रिसाइकल मोर, रिसाइकल मोर मतलब दोबारा से पुनरुत्पादन कर देना चाहिए, जैसे प्लास्टिक वगैरह फेंक दी जाती है तो ये जो है ई वेस्ट जो तैयार होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो जितना भी कचरा है उसको जो है रिसाइकल कर लेना चाहिए। रिसाइकलिंग से क्या है कि जो टॉक्सिन्स हैं वो कम रिलीज़ होंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं या जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनका लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में कम होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। तो ये तो था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें मैंने आपको कंट्रोल और इफ़ेक्ट और जो उनके कॉजेज़ हैं वो बता दिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।